बरेली के रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर एक सारस घायल अवस्था में मिला। इंस्पेक्टर जीआरपी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार को शाम 7:15 पर स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन था। इसी बीच सारस उड़ते हुए ट्रेन से टकराकर प्लेटफॉर्म पर गिर गया। सारस का पंख भी कटा हुआ था। यात्रियों ने इसकी सूचना दी। सूचना पर जीआरपी और रेलवे पुलिस पहुंची, जिसके बाद बंदरों को वहां से भगाया गया था। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। घटनास्थल पर मौजूद यात्रियों ने सारस के ट्रेन से घायल होने की सूचना ट्वीट की। इस बीच वन विभाग के रेंजर भी पहुंचे। सारस को केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान पहुंचाया गया, जहां सारस का इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इंस्पेक्टर जीआरपी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि गनीमत रही कि सारस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गिरा, नहीं तो अंधेरे में पता भी नहीं चलता। बंदरों ने भी सारस को खींचना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वहां मौजूद यात्रियों ने सारस को बंदरों से बचाया, नहीं तो बंदर सारस की जान ले लेते। रिंकू शर्मा नाम के युवक ने घटना को लेकर एसपी जीआरपी मुरादाबाद को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद जीआरपी की टीम ने सारस को भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र भेज दिया। सारस पक्षी यूपी का राजकीय पक्षी है। ये 4800 मीटर से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ लेता है। ये तराई वाले इलाकों में पाया जाता है, जिसमें अधिकांश जोड़ा एक साथ रहता है। इस पक्षी का रंग हल्का व्हाइट रहता है। इसका वजन 8 किलोग्राम तक रहता है, जबकि ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तक होती है। ये नदी किनारे वाले क्षेत्रों में अपने भोजन की तलाश में पहुंचता है। शाम होने से पहले ये घने जंगलों की तरफ उड़ान भर देता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।